नमस्कार दोस्तों, सरकार ने सख्त आदेश दिया था। जो कमेटी बनाई थी 6 सदस्यीय आपकी, जिसमें देवस्वरूप जी अध्यक्षता कर रहे थे, कि 15 दिन के अंदर अंदर जो भी आपकी रिपोर्ट है तैयार हो जानी चाहिए, वो सरकार को सौंप देनी है और उसके बाद सरकार डिसीजन लेगी, क्योंकि इस बार बच्चों के साथ हम भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे और तुरंत प्रभाव से हम उनको फैसला घोषित कर देंगे। 10 जून तक कमेटी ने रिपोर्ट का टाइम दिया था। कमेटी ने 10 जून तक अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली और सरकार तक सौंप दी। फिर सरकार कहने लगी कि हम मंथन करेंगे, इस पर रिपोर्ट पर मंथन किया जा रहा है कि फर्स्ट ईयर को प्रमोट किया जाए, सेकंड ईयर को एग्जाम हो क्या, या सेकंड ईयर को प्रमोट करें या फिर फाइनल ईयर के एग्जाम किस तरह हो, इस चीज़ों पर हम मंथन कर रहे हैं, लगातार हम मंथन किए जा रहे हैं। ठीक है, मंथन लगातार चल रहा है आपका। उसके बाद भंवर सिंह जी भाटी जी का अपडेट आती है कि जो हमने कमेटी गठित की है, जरूरी नहीं कि उसकी हम बात माने। कमाल है, जो आप कमेटी गठित करते हैं, जिसके लिए आप कहते हैं कि हम कमेटी का निर्णय मानेंगे, कमेटी बिठाई है, पूरी समीक्षा करेगी, और आप अब कह रहे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हम कमेटी की बात मानेंगे। हम फिर से मंथन कर रहे हैं और आपका तैयार कर रहे हैं कि किस प्रकार फर्स्ट ईयर को प्रमोट कर दें और सेकंड ईयर के एग्जाम करवाएं, या फिर सेकंड ईयर को प्रमोट कर दें, फाइनल ईयर के एग्जाम कराएं, इसको लेकर मंथन चल रहा है। फिर एक और अपडेट आती है सरकार द्वारा, इसको मैंने वीडियो नहीं बनाया कि पता है नहीं आएगी, ऐसा चीज़ें नहीं होने वाली। मैंने आपको लाइव स्ट्रीम में ही कहा था कि 20 जून तक अंतिम निर्णय आ जाएगा, ऐसा सरकार कह रही है। 20 जून हो गई, आप कमेंट कर रहे हैं लगातार, और करना आपका भी जायज़ है। सर 20 जून हो गई, जो आप कह रहे थे कि जो आ जाएगा टोटल फैसला 20 जून तक, आप कह रहे थे आ जाएगा 20 जून से पहले ही आप कह रहे थे फैसला आ गया, नहीं आया। आप सवाल मुझसे पूछेंगे, हम किससे पूछें, आप हमसे सवाल पूछेंगे, पूछना जायज़ है आपका। एक दो गालियां भी बककर जाएंगे, पागल बकवास ऐसा कुछ कहेंगे कि उनको कुछ नहीं पता, तो हमें वास्तव में अब कुछ नहीं पता। देखिए, जो भी अपडेट्स आती हैं, वो अपडेट्स हम शेयर करते हैं, और वो अपडेट्स ही सरकार ही उस पर कार्य नहीं करेगी तो हम तो पागल ही हैं। तो दोस्तों देखिए, बहुत हो गया, अब लगातार हम पिछले 10-12 दिनों से बस यही इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार कब तक निर्णय देगी। आज 20 जून है, अगर आज निर्णय नहीं आएगा, मैं लाइव आऊँगा थोड़ी देर में और देख इंतज़ार करेंगे 7-8 बजे तक 9 बजे तक, जितना भी 10-11 बजे तक हम इंतज़ार करेंगे। अगर डिसीजन नहीं आता है तो इस बार हम यही कैंपेन चलाएंगे कि राजस्थान सरकार फैसला दो, आपको जो भी डिसीजन देना है, आप प्रमोट करें, आप एग्जाम करवाएं, जो भी करवाएं हमें मंजूर होगा। देखिए, अब ऐसी असमंजस की स्थिति में नहीं रहे, अब कह रहे हैं प्रोविजनल प्रमोट देंगे, तो प्रोविजनल प्रमोट देंगे तो एग्जाम तो वैसे ही होने हैं, तो या आप कुछ दिन रुककर आप एग्जाम करवा लो, प्रोविजनल प्रवेश देने का क्या मतलब है, उसके बाद भी आप चीजें कर सकते हैं। तो जो भी करना है तुरंत प्रभाव से काम करो, राजस्थान सरकार, ऐसे आप कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट जरूर करें कि राजस्थान सरकार अंतिम फैसला दो, चाहे आपका जो भी फैसला हो, परीक्षाएं करवानी है, परीक्षा नहीं करवानी, इससे अच्छा है परीक्षाएं करवा लो, टेंशन ही मिटे। देखिए, पिछले लगभग तो 2 महीने हो गए हैं ऐसा सुनते हुए कि प्रमोट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, लगभग सभी स्टेट्स प्रमोट कर चुके हैं, लगभग उनका निर्णय क्लियरफाई है, एग्जाम आगे पीछे हो सकते हैं, एग्जाम को लेकर नहीं हुआ होगा, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को प्रमोट करने का क्लियरफाई है। बहुत से पिछले साल की गाइडलाइन नहीं माने, पिछले साल की गाइडलाइन मानो, और सबसे ज़्यादा फॉल्ट तो मैं UGC को दे रहा हूँ कि UGC राजस्थान सरकार पूरी UGC पर निर्भर है, क्योंकि पहले भी आपको बताया था कि भंवर सिंह भाटी जी का बयान आपको मैंने दिखाया था कि हम UGC की गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं, तो UGC एक बार तो कहती है हम छात्रों के हित में काम कर रहे हैं, छात्रों के भविष्य निर्माण को लेकर हम लगातार कार्य कर रहे हैं, ये ऑनलाइन कोर्सेज चला रहे हैं, तो आप ऐसी असमंजस की स्थिति में क्यों डाल रहे हैं। जो भी आपकी गाइडलाइन है वो जारी करें, तुरंत प्रभाव से फैसला करें, आप कौन कौन इस बात से सहमत है यस करके जरूर रखें, और ये कमेंट सेक्शन में जरूर करें, राजस्थान सरकार अंतिम फैसला दो। हम अब केवल मात्र इसी पर कैंपेनिंग चलाएंगे कि राजस्थान सरकार अंतिम फैसला दो, चाहे जो भी आपका फैसला हो हमें मंजूर हो जाएगा, हम हमारे हित में, आप कह रहे हैं छात्रों के हित में फैसला लेंगे, तो ये हित पता नहीं अब कब कहाँ हित जा रहा है, ये किसी को नहीं पता, और मेरे ख्याल से सरकार को भी पता है या नहीं पता कि डिसीजन देना है या नहीं देना,
शायद भूल चुके होंगे, तो जागो आप ये कमेंट सेक्शन में करो और फिर हम आपके लिए यही कंपेनिंग चलाएंगे कि राजस्थान सरकार अंतिम निर्णय दो, कमेंट सेक्शन में ये चीज़ें होनी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में जरूर करें। तो दोस्तों और आप सर्विसी सरकार से और आपकी तरफ से मैं निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द ये डिसीजन दें। अगर आज 20 जून है, आपने कहा 20 जून तक आएगा, तो आज हम आपके लिए लाइव भी आ जाएंगे और लाइव आपको अपडेट देंगे कि डिसीजन आया है या नहीं आया। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी छात्र जागें और फिर हम केवल मात्र यही कैंपेनिंग चलाएंगे कि राजस्थान सरकार अंतिम निर्णय दो। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही।